राजस्थान में दशकों से चला आ रहा रिवाज इस बार भी नहीं बदला। रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का, और अब एक बार फिर सरकार बदल गई। कांग्रेस की विदाई हो रही है और बीजेपी की 5 साल बाद फिर वापसी हुई। भाजपा सहित कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, तो फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर चौधरी, चौमू से डॉक्टर शिखा मील बराला, तो आमेर से प्रत्याशी प्रशांत शर्मा जिन्होंने सतीश पूनिया को हरा दिया, तो बस्सी से लक्ष्मण मीणा और चाकसू से बीजेपी के राम अवतार बैरवा से बात की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर चौधरी ने जीत दर्ज की, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लगातार से भाजपा के जीत करा निर्मल कुमावत को उन्होंने हराया है। विद्याधर जी, अब क्या क्या प्राथमिकता रहेगी फुलेरा के लिए, जो लगातार वादे करते आ रहे थे आप? जो 4.5 साल में जो बघार जो वादे किए वो सब पूरे करूंगा। बात करें तो जिस तरह से आपके पिताजी भी फुलेरा से विधायक रहे, अच्छा राजनीति में नाम था, आप यहाँ जीत कर आए हैं। पिछली बार वो बहुमत नहीं मिल पाया था, इस बार अच्छा बहुमत मिला है, किस तरह से जनता का आभार व्यक्त करोगे? ऐसा है, ये जीत जनता की जीत है, और जो 5 साल तक कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के और काम किया, उसका ये परिणाम आया है। और काम के मारे में तो मैं अपने पिताश्री के आशीर्वाद से इतना काम कर पाऊंगा कि लोग उनको आज भी आगे 25 साल भी याद करेंगे कि भाई वो परिवार था जिसने सेवा की जनता की। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने रिपीट का वादा किया था, लेकिन वो बहुमत यहाँ नहीं ला रही है, क्या लगता है सरकार की रीति नीतियों से जनता नाराज है, आपके काम से आपको? देखिए, काम का तो मैं ये आप ये मतलब नहीं निकालो, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कोई बात जनता के तक पहुंचने में दिक्कत आई हो, तो उसका भी आगे समाधान होगा। अब जनता के हर काम पूरे होंगे? बिल्कुल, जनता के हर काम पूरे होंगे, और डॉक्टर हरिसिंह जी का जो सपना था वो साकार होगा। ये थे विद्याधर चौधरी जिन्होंने फुलेरा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है, और उन्होंने कहा कि जो जनता ने बहुमत दिया है उसका सम्मान होगा और हर एक काम पूरा होगा। जयपुर से कैमरामैन दिनेश मेहरा के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।